नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। आपके साथ मैं हूं अनुष्का सिंह। आज बात करेंगे सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की। तो हरियाणा में इन दोनों अधिकारी साहब सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं और प्रदेश में अधिकारियों की मनमर्जी बदस्तूर जारी है। दरअसल हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला कैथल का है, जहां पर 9 बजे से छोटे छोटे बच्चों को मैराथन दौड़ के लिए बुला लिया गया और उसके बाद एसडीएम साहब जिन्हें हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन दौड़ को रवाना करवाना था, वो खुद इस मैराथन के दौरान नहीं पहुंचे। 2 घंटे तक बच्चे इस ठंड में इंतजार करते रहे। तो सवाल ये है कि कितने जिम्मेदार हैं ये अधिकारी। हम आपको बता दें कि प्रदेश में अधिकारियों की मनमानी का जो दौर है वो लगातार जारी। कैथल में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। मैराथन रेस के लिए करीब 2 घंटे पहले छात्रों को बुलाया गया। तो आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि खुले आसमां के नीचे स्कूली छात्रों को अधिकारियों की लापरवाही के चलते नंगे फर्श पर घंटों बैठना पड़ा। दरअसल कैथल में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर एक मैराथन रेस का आयोजन किया गया, लेकिन अधिकारियों की लेट लतीफी और मनमर्जी का खामियाजा इन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा और तय समय से करीब 2 घंटे ज्यादा तक छात्र खुले आसमां के नीचे ठुठरन भरी ठंड में नंगे फर्श पर बैठे रहे। हम यहाँ पे आधे घंटे से बैठे हैं। अच्छा, तो क्या कहा गया था आपको? हमें यहाँ पे लेके आया गया था और यहाँ पे कहा कि अभी बैठ जाओ और यहाँ पे कुछ करवाया जाएगा। तो इतने ठंड आपको यहाँ मिलने? नहीं, कोई दौड़ शुरू नहीं हुई आपकी? नहीं। वहीं जब इस बारे में खेल अधिकारी जी से बात की गई तो उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जो अपने आप में काफी चौंकाने वाला था। बच्चों को अगर हमने स्ट्रॉन्ग बनाना तो तभी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इतनी कड़ाके की सर्दी है तो नहीं रहेंगे। दुनिया जी रही है, हम भी जी रहे हैं, उसमें अच्छी बात है। उनको हम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और 9 बजे का समय भी कोई ऐसी बात नहीं थी। जिला अधिकारी साहब का कहना है कि ठंड में बैठने से बच्चे ज्यादा मजबूत होंगे। साफ है कि अधिकारी साहब अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए बड़ी अजीब सी दलील दे रहे हैं जो अपने आप में एक सवाल है। कैथल से राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अधिकारी जी किस तरह से नहीं पहुंचे, एसडीएम साहब को हरी झंडी बयान दिया जा रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजीव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से 2 घंटे पहले बच्चों को बुला लिया गया, ठंडी जमीन पर बच्चे बैठे रहे, इंतजार करते रहे एसडीएम साहब का, लेकिन एसडीएम साहब 2 घंटे देरी से पहुंचे। देखिए, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य आ रहा है कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस दिन को युवा वर्ग के रूप में मनाया जाता है। अगर इस तरह से स्कूली बच्चों को कड़ाके की ठंड में नंगे फर्श पर बिठाकर जो जिला खेल अधिकारी का बयान है कि इससे मजबूत होंगे, इस तरह से अगर मजबूत किया जा रहा है तो अपने आप में कहीं प्रशासन और जिला खेल विभाग की लापरवाही बिल्कुल उजागर हो रही है। जो ये मैराथन थी, इसका समय सुबह 10 बजे का बताया गया था और बच्चों को सुबह 9 बजे स्कूलों से बुलवा लिया गया था, लेकिन जो अधिकारी हैं जिन्होंने झंडी दिखानी थी वो तकरीबन 11:15 बजे इस मैराथन रेस को झंडी दिखाने के लिए पहुंचे, जिससे कुल मिलाकर तकरीबन 2.5 घंटे तक बच्चे कड़ाके की ठंड में नंगे फर्श पर उनका इंतजार करते रहे। जी, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों में चलने के तहत जो है इस दौड़ का जो है आयोजन किया गया था, कहीं ना कहीं उन आदर्शों की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है। किस तरह से आदर्शों पर चला जाएगा जब 2 घंटे देरी से चलते हैं एसडीएम साहब, 2 घंटे देरी से पहुंचते हैं और बच्चों को पहले बुला लिया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही ये भी सामने आ रही है कि जब स्कूलों के टाइम के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को पता था कि स्कूल सुबह 10 बजे खुलने हैं तो उसी हिसाब से मैराथन का आयोजन का जो टाइम था वो निर्धारित किया जाना था, लेकिन 10 बजे ही स्कूल खुलने पर 10 बजे ही दौड़ का समय रख दिया गया और स्कूलों से बच्चों को 9 बजे यहाँ पहुंचने का फरमान जारी कर दिया गया। कड़ाके की ठंड में जो बच्चे थे वो सुबह 9 बजे ही खेल ग्राउंड में पहुंच गए और बैठे रहे ठंड में, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों को उन पर तरस नहीं आया और तकरीबन 11:15 बजे ही इसको शुरू किया गया। जी बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सतबीर जो जुड़ चुके हैं जो कि अध्यापक संघ से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका सतबीर जी। थैंक यू मैडम। सतबीर जी, किस तरह से देखते हैं आप, बच्चे 2 घंटे पहले से पहुंच गए, 9 बजे से छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ठंड में इंतजार कर रहे हैं एसडीएम साहब का, अधिकारियों का, लेकिन कोई वहां पर नहीं पहुंचा, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं?
मैडम जी, ये तो आपसी तालमेल की कमी का मामला है। शिक्षा विभाग और प्रशासन, खेल विभाग, इन तीनों विभागों के बीच में कोई तालमेल नहीं था। अगर तालमेल होता तो स्कूलों का समय ही 10 बजे का है आजकल। बच्चों को 9 बजे बुला लिया गया और एसडीएम साहब सवा 11 बजे जाके बच्चों को झंडी दिखाते हैं, 2 घंटे बच्चे वहाँ ठंड में बैठे रहते हैं। तो ये आपसी तालमेल की कमी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहिए था भाई स्कूल में ही 10 बजे का है आजकल। तो इसमें जो ठंड के अंदर बच्चे बैठे थे, इसमें सारा दोष अधिकारियों का है, इनका आपसी कोई तालमेल नहीं है। आप सतबीर जी यहाँ पर आपको खेल जो जिला अधिकारी है उनका बयान भी बताना चाहूंगी। जब उनसे इस बाबत पूछा गया कि बच्चे इतनी सुबह से आकर बैठ गए, 9 बजे से आकर बैठ गए, एसडीएम साहब नहीं पहुंचे, इस पर अधिकारी साहब बयान देते हैं कि वो भी तो आकर बैठे। उनके आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। वो आके बैठे हैं, इसका मतलब वो तो अंदर बैठे होंगे। छोटे छोटे बच्चे बाहर ठंड के अंदर बिठा दिए गए, ये तो मतलब बेतु का बयान है। हाँ, इसमें ये कह सकते हैं भाई, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बताना चाहिए था कि 10 बजे का स्कूलों का समय है, उसी अनुसार प्रॉपर तरीके से बच्चों को बुलाया जाता। और स्वामी विवेकानंद की जयंती के ऊपर जो ये मैराथन का आयोजन किया गया, ये अच्छी बात है, किया जाना चाहिए, बच्चों के अंदर प्रेरणा मिलती है इन बातों से। लेकिन कम से कम समय का ख्याल रखा जाए और अधिकारियों में आपसी, विभागों के अंदर आपसी तालमेल होना चाहिए। हमारे साथ सुनीता यादव जी भी जुड़ चुकी हैं, बाल समीक्षा अधिकारी हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सुनीता जी, छोटे छोटे बच्चे सुबह से जाकर मैराथन दौड़ के लिए एक्साइटेड थे, काफी ज्यादा उत्साहित थे, पहुंचे हुए थे, एसडीएम साहब आएंगे और हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन एसडीएम साहब देरी से पहुंचे और उसके बाद अधिकारियों का बयान। और सुभान अल्लाह, चूंकि जब अधिकारियों से जब पूछा जाता है कि आखिरकार एसडीएम साहब लेट क्यों है, तो उस बार अधिकारी ये कहते हैं कि अगर बच्चे पहले से आ गए हैं, 2 घंटे पहले से आ गए, तो कोई नई बात नहीं, बच्चे ट्रेंड होंगे, मजबूत होंगे इससे। आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है कि बच्चों को स्ट्रांग किया जा रहा है। तो ये कोई तरीका नहीं कि बच्चों को ठंड में बिठा के उन्हें फिजिकली स्ट्रांग किया जाए। तो बहुत ही लॉजिकल सा आंसर है उनका, तो मैं तो इस चीज को गलत ही समझूंगी। बिल्कुल, यानी रिस्पॉन्सिबल आंसर आप इसे नहीं मानती। सुनीता जी, ये आपसे जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है जिसका खामियाजा ही छोटे छोटे बच्चे भुगत रहे हैं। हाँ, ये तो है, या तो कोऑर्डिनेशन करके या तो लेट टाइमिंग रखा जाता है, और दूसरा, इतने ठंड के मौसम में बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करवाना भी गलत है। और वहाँ पे एज ग्रुप भी थोड़ा सा अपर रखना चाहिए था, बहुत छोटे बच्चों को लेके चलना भी, जिन्होंने मैनेज किया, थोड़ा सा उन्हें सोचना चाहिए था इस बारे में भी, बच्चों की फिजिकल हेल्थ को लेके भी, और जो उनका मेंटली हरासमेंट हुआ इस चीज में, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। सुनीता जी, चूंकि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जो है इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, उनके आदर्शों पर चलने की बात कही जाती है, कहीं ना कहीं आदर्शों पर चलते चलते दौड़ का तो आयोजन कर दिया, लेकिन उन तमाम चीजों को, उन तमाम मानकों को ध्यान नहीं रख पाए, और इस बीच भी एक लापरवाही सामने आ गई, आदर्शों पर भला कैसे चलेंगे? सुनीता जी, सुन पा रही हैं आप? हमारे साथ सुधीर बेदी जी जुड़ चुके हैं, जो कि जिला अधिकारी हैं। सुधीर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। सुधीर जी, किस तरीके से आप देखेंगे छोटे बच्चे, आपको क्या लगता है, जो सुबह 9 बजे से जाकर, इतनी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी इस वक्त पड़ रही है, लोग घरों से निकलना पसंद नहीं करते, और छोटे बच्चे जाकर 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं, मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, वहां पर एसडीएम साहब आएंगे, उसके बाद हरी झंडे दिखाएंगे, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मैडम, बात ये है कि आपका समय बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हो, 9 बजे का इंतजार कर रहे हैं, मगर अखबार में आज ही सुबह आया कि 10 बजे से स्कूल खुलेंगे। इसका क्या, हमें कोई ज्ञान नहीं था, हमें कुछ नहीं पता, तो हमारी न्यूज तो हमने। सुधीर जी, लेकिन आपने जो बयान दिया, आपने कहा कि अगर बच्चे 9 बजे से आ गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग भी आए हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा ठंड के लिए बात की है, ठंड नहीं, आपने ये कहा ना बच्चे मजबूत होंगे, ट्रेंड होंगे, इस तरह सर्दियों में बिठाने से बच्चे मजबूत होते हैं। मैडम, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हाँ, बच्चों के, जो बच्चों को टेस्ट हुआ है, जो उनको देरी तक, थोड़ी देर वेट करना पड़ा है, वो तो गलत बात है, वो ठीक नहीं है, उसके लिए बताओ। मैंने यही कहा है कि मेरी मजबूरी थी, ये मजबूरी यही रही है कि स्कूल 10 बजे खुले हैं जी,
इसमें ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब कि मेरे को मंशा ऐसी थी कि मैं उनको इंतजार कराऊं, कभी भी नहीं, मैं खुद स्पोर्ट्स में रहा हूं और मैं खुद कोच रहा हूं, ना कभी भी नहीं मैंने ऐसा सोचा। अच्छा। मतलब प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि ये इसको पॉजिटिव वे से लें। अच्छा, ठंड ठंड में इंतजार कर रहे हैं तो बच्चे से स्ट्रॉन्ग होंगे, आपने तमाम बातें ही नहीं कही कि बच्चे स्ट्रॉन्ग होंगे इससे और साथ ही साथ ट्रेंड होंगे इससे, दौड़ने से, हाँ जी दौड़ने से स्ट्रॉन्ग होंगे, ठंड बियर करेंगे, तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। तो पॉजिटिव वे में लेने का मतलब तो यही है ना, पॉजिटिव, अगर एक घंटे से दो घंटे से इंतजार करें बच्चे, तो पॉजिटिव वे में लेने का मतलब यही उन्हें वो गलत है जो उनको इतना इंतजार करना पड़ा, और कुछ बच्चों को करना पड़ा इंतजार, ज्यादातर बच्चे मेरे 10 बजे के करीब ही आए हैं, 10:30 के करीब आए बच्चे। हाँ जी सुधीर जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपने जो कुछ कहा वो हम जल्दी से आपको सुनाने की भी कोशिश करेंगे, आपने क्या कुछ कहा, क्योंकि वो तमाम चीजें रिकॉर्डिंग में, अभी आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन दर्शकों को एक बार और बता देते हैं कि ठंड में बैठने से बच्चे मजबूत होंगे, ये कहा सुधीर जी ने, जो कि अभी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े भी हुए हैं। उनका मानना है कि एसडीएम साहब का इंतजार कर रहे थे तमाम बच्चे। हम आपको बता दें मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर, आदर्शों पर चलने की बात कही जाती है, और आदर्शों पर चलते चलते किस तरह से एसडीएम साहब इतनी देरी से पहुंचे और छोटे छोटे बच्चे जमीन पर बैठ के एसडीएम साहब का इंतजार करते रहे कि आखिरकार कब मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। तो खुले आसमान के नीचे ठंड में फर्श पर बैठे रहे स्कूली बच्चे। हम आपको बता दें कि सुबह 9 बजे ये बच्चे पहुंच गए थे, लेकिन उसके बावजूद लगभग 11 बजे के लगभग एसडीएम साहब पहुंचे, और उसके बाद मैराथन को हरी झंडी दिखाई, उसके बाद तमाम बच्चों को जो है मैराथन के लिए रवाना किया। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार करे कोई और भरे कोई, और यहाँ पर अधिकारियों के बयान माशाल्लाह, ये कोई पहली बार नहीं है जब अधिकारियों किस तरह से लापरवाही सामने आई हो और अधिकारियों किस तरह से बदजुबानी सामने आई हो। लगातार अधिकारियों की अगर बात की जाए तो अधिकारियों द्वारा हर क्षेत्र में, चाहे वो गांव को गोद लेने की बात हो, तमाम जगहों पर अधिकारियों की लापरवाही, अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन अधिकारियों पर किसी तरह का कंट्रोल क्यों नहीं, प्रशासन द्वारा इन अधिकारियों पर किसी तरह की रोक टोक क्यों नहीं लगाई जाती, और क्यों आखिरकार इनके दिमाग में इस बात का डर नहीं है कि अगर वो किसी तरह की लापरवाही बरतेंगे तो उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब अधिकारियों की ऐसी लापरवाही सामने आई, उसके पहले भी हम आपको लगातार दिखाते रहे कि किस तरह से, चाहे गाँव को गोद लेने की बात हो, जब मुख्यमंत्री ने गाँव को गोद लेने के लिए कहा, पहले तो किसी भी अधिकारी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने दौरा किया उसके पहले ही आनंद फानंद में तमाम गांवों को गोद ले लिया गया, और जब मुख्यमंत्री साहब गए उसके बाद तब किसी भी अधिकारी को गांव का रास्ता तक नहीं पता था। तो ऐसे ही कई सारे वाक्य हैं जो अधिकारियों की गलतियों को जाहिर करते हैं, बावजूद इसके आखिरकार इन अधिकारियों के मन में डर क्यों नहीं बैठता, क्यों आखिरकार ये इस तरह की लापरवाही को लगातार अंजाम देते रहते हैं और ना ही इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई होती है, और उसके बाद बदजुबानी का जो दौर है वो लगातार चलता रहता है। अधिकारी ने यहाँ पर बयान दिया, हम आपको बता दें जिला खेल अधिकारी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि बच्चे अगर ठंड में बैठे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी तो आकर ठंड में बैठे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसे में बच्चों ट्रेंड होंगे और ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, यानी इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो अधिकारी जी का ठंड में टॉर्चर, ये कैथल की बात हम कर रहे हैं जहाँ पर स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए आज ये जयंती मनाई जा रही है, और इसी के मद्देनजर मैराथन का आयोजन किया गया था। बच्चों को सुबह 9 बजे से स्कूल में बुला लिया गया, बच्चे सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक एसडीएम के साहब का इंतजार करते रहे कि एसडीएम साहब आएंगे और उसके बाद जो मैराथन दौड़ है उसे हरी झंडी दिखाएंगे। हम आपको बता दें 2 घंटे देरी से पहुंचे और उसके पहले 9 बजे से बच्चे बैठे हुए थे। हमारे साथ आरके सिंह एसडीएम साहब क्षेत्र के जुड़ चुके हैं। आरके जी स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। आरके जी, बच्चे 9 बजे से इंतजार कर रहे थे, आप 11 बजे पहुंचे, किस तरह से आप देखेंगे और आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि सर्दियों का समय है, किसी का भी घर से निकलने का मन नहीं होता और छोटे छोटे बच्चे सुबह 9 बजे से आकर आपका इंतजार कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम। दूसरा इशू ये था जहाँ पहुँचने का है, मेरे को जो समय दिया गया था जिला डीएसओ द्वारा, मैं उसी वक्त पे पहुंचा, मैं तैयार बैठा हुआ था सुबह, क्योंकि आज आज बच्चों आज हमारे स्कूल, शायद आपको इस बात का पता नहीं कि हमारे स्कूल को खुलने का टाइम 10 बजे किया गया था, और आज से पहले सभी विद्यालयों की छुट्टी थी,
तो इसलिए डीएसओ साहब ने जो कार्यक्रम आयोजन किया उसके तहत ही मैं बिल्कुल सही वक्त पे वहाँ पे पहुँचा था और हम बड़े उत्साह के साथ ना कि पूरे हरियाणा में पूरे भारत वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन मना रहे हैं और उसमें मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है और अनेक प्रकार के अन्य कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल एसडीएम साहब एक अधिकारी के आपको बयान से भी अवगत कराना चाहूंगी। यहाँ पर जो जिला खेल अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा कि बच्चे पहले से अगर आकर बैठेंगे उनके लिए अच्छा है, वो इस ठंड में सर्दी के मौसम में स्ट्रांग हो रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं और अगर पहले से आए हैं तो पहले से तो हम अधिकारी भी आए हुए हैं। आप इस बयान को कैसे देखेंगे? नहीं मैडम ऐसा नहीं है, ये बयानात वाली कोई मुद्दा नहीं है। सवाल इस बात का कि कार्यक्रम का आयोजन सही प्रकार से, सही दिशा में, सही तरीके और सलीके से किया जाता है और उसी ढंग से हमने किया है। शुक्रिया एसडीएम साहब। लेकिन जिस तरीके तो चलिए एसडीएम साहब के साथ हमारा जो है फोन कट चुका है, लेकिन हम आपको बता दें कि 2 घंटे देरी से एसडीएम साहब क्या था में में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती है। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। खबरों की आपाधापी में झूठ न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर, हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी, पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी फूल पैदा हुई है जी, पानी भी कुछ अड़का है जी हमारा जी। पानी बढ़िया नहीं है, जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम करे जी, हर एक किसान इसको जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इम्पोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। लार्जेस्ट कैंपस,
more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद खास खबर में स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं आज अधिकारी के लापरवाही के। दरअसल कैथल से मामला सामने आया, जहां पर सुबह 9 बजे से बच्चे मैराथन दौड़ के लिए पहुंच गए, लेकिन एसडीएम साहब देरी से पहुंचे और उसके बाद अधिकारी द्वारा ये बयान दिया जाता है, डीएसओ द्वारा ये बयान दिया जाता है कि बच्चे अगर जल्दी पहुंच भी गए हैं तो वो भी पहुंच हुए हैं। जब यहाँ पर रिपोर्टर्स द्वारा यह हवाला दिया गया कि इतनी सर्दी और बच्चे इतनी पहले से पहुंचे हुए, तो यहाँ पर अधिकारी साहब कहते हैं कि वो खुद भी तो यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे इस तरह से स्ट्रांग होंगे और ज्यादा ट्रेंड होंगे। तो हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए डीएसओ सुधीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने कहा क्या कुछ। बच्चों को अगर हमने स्ट्रांग बनाना तो तभी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इतनी कड़ाके की सर्दी है तो नहीं रहेंगे। दुनिया जी रही है, हम भी जी रहे हैं, उसमें अच्छी बात है, उनको हम स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, और 9 बजे का समय भी कोई ऐसी बात नहीं थी। तो चलिए सुधीर जी की बाइट भी आपने सुनी, और हमारे साथ अब फिर से डीएसओ सुधीर साहब फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, सुना आपने, आपके शब्द आप खुद आपने सुना जिस तरह से आप कह रहे थे बच्चे ऐसे स्ट्रांग बनेंगे, कोई बात नहीं है ऐसी कि अगर बच्चे आकर पहले से बैठे हुए हैं तो। नहीं, मैं बैठे नहीं कहा मैडम, मैंने ये कहा था कि जो बच्चे हैं, मतलब कि हमें जो टाइम था उसमें, मतलब स्कूल आज पहले दिन खुले हैं इसलिए थोड़े लेट आ रहे थे, और दूसरी बात यह है कि अगर हम उनकी कराते हैं तो ये बच्चों को अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन सुधीर जी, अगर जिम्मा आपके पास था, अगर बच्चे जल्दी भी थे सुबह 9 बजे से थे, तो उनके बैठने तक का कोई इंतजाम नहीं था, जमीन पर बैठे हुए थे, उसके लिए आपको कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं थी क्या? मैडम, मेरे को ये था कि बच्चे आएंगे और हम उसको भी रेस्क्यू करा देंगे जी। साथ ही साथ यहाँ पर एसडीएम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, उनका मानना था कि वो टाइम से पहुंच गए थे, डीएसओ ने जो टाइम उन्हें दिया था वो उसके अकॉर्डिंग ही पहुंचे थे। हाँ जी मैडम, ऐसा कहेंगे कि बच्चों को जैसे इकट्ठे करने में टाइम लगा नहीं, बच्चे जैसे ही इकट्ठे हुए आगे बच्चे, मैंने सभी सर को बुला लिया था। तो सुधीर जी, आप अपनी गलतियों को जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पर हम खुद सुन पा रहे हैं किस तरीके से सुधीर जी यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बच्चे जो है स्ट्रांग हो रहे हैं, जो कि डीएसओ अखिल जिलाधिकारी हैं सुधीर जी, और वो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, लेकिन उनका वो अपनी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है जो कुछ। और बड़ी खबर आ रही है पंचकुला से, जहां पर सेक्टर 14 में लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं सेक्टर 14 से, जहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया, अमर टैक्स के कर्मचारी से लूट की वारदात को जो है अंजाम दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको देते हैं, दो लोगों ने बंदूक की नोक पर 7.5 लाख रुपए लूट लिए। बड़ी खबर इस वक्त की, बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहे थे कर्मचारी, उसी दौरान लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी पंचकुला से देख पा रहे हैं, जहां पर 7.5 लाख रुपए की लूट की घटना को बंदूक की नोक पर अंजाम दिया गया है। तो 14 सेक्टर की ये पूरी घटना है, जहां पर लाखों की लूट को अंजाम दिया गया, 7.5 लाख रुपए लूट लिए गए। ये गाड़ी की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, किस तरह से गाड़ी में तोड़फोड़ कर इस घटना को अंजाम दिया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता उमंग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमंग, बड़ी लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया, उमंग सुन पा रहे हैं जी? उमंग, क्या माना जाए, जिस तरीके से इन दिनों अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद है, और बड़ी लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोराहा नहीं है कि शातिर चोरों और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े उन्होंने 7.5 लाख की इस लूट को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि अमरटेक्स के जो कर्मचारी हैं वो बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए ले जा रहे थे, जब सुबह 11 बजे घटना हुई है, वहाँ 7.5 लाख रुपए को लूटने के लिए हथियारबंद युवकों ने उन पर हमला किया, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा उन्होंने बकायदा पत्थर से, उसके बाद पिस्टल की नोक पर उनसे ये लूट की है और इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जी जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका उमंग इस बातचीत के लिए।
एक और बड़ी खबर सफेदों से, 12 गांवों की बिजली जो है इस वक्त बाधित है। बड़ी खबर आपके सफेदों से दे रहे हैं, जहां पर 12 गांवों की बिजली जो है बाधित है। बिजली ना आने से ग्रामीण परेशान है। तो 12 गांवों की बिजली बाधित है और ग्रामीण इस वक्त बिजली नहीं आने की वजह से परेशान है। सिंघाना पावर हाउस पर ताला लगा दिया है ग्रामीणों ने। बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे, कई दिनों पहले ताला लगाया गया था, तो ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों द्वारा ताला लगा दिया गया था कई दिनों पहले। बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी इस वक्त ग्रामीण कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, एसडीओ एसडीएम पुलिस और ग्रामीणों के बीच पंचायत इस वक्त चल रही है। तो बिजली के मुद्दे पर पंचायत की जा रही है सफेदों से बड़ी खबर, जहां पर 12 गांवों की बिजली जो है बाधित है। बिजली न आने से ग्रामीण लगातार परेशान है और इस पूरे मुद्दे पर एसडीओ एसडीएम और ग्रामीणों के बीच में इस वक्त पंचायत चल रही। सिंघाना पावर हाउस पर ताला कई दिनों पहले ही लगा दिया गया था। और इसी के साथ खास खबर में केवल इतना ही, पर खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।